नमस्कार दोस्तों, मैं हनुमान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोहित कंप्यूटर्स पर। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे नोटपैड। नोटपैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो विंडो के साथ में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आता है, इसलिए इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। नोटपैड को हम तीन प्रकार से ओपन कर सकते। तो सबसे पहला सीखेंगे नोटपैड ओपन करने का पहला जो तरीका है, वो यहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप करना है नोटपैड। नोटपैड टाइप करने के बाद एंटर दबाना है, एंटर करते ही ये ओपन हो जाएगा। पहला तरीका तो यह है, दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। अपना दूसरा तरीका है नोटपैड ओपन करने का, विंडो की के साथ में आर प्रेस करना है। आर विंडो की के साथ में आर प्रेस करने के बाद आपको इसमें टाइप करना है नोटपैड। नोटपैड टाइप करने के बाद एंटर दबाओ, ओपन हो गया। ये दूसरा तरीका है। इसके बाद एक तरीका और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, आर प्रोग्राम में नीचे नीचे जाना होगा, ऐसे सीरीज में। विंडोज ऐसे सीरीज के अंदर ये नोटपैड का ऑप्शन है, फिर यहाँ पे क्लिक करके भी हम नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है तीन तरीके नोटपैड को ओपन करने के। तो दोस्तों, अब सीखते हैं नोटपैड का यूज करना। नोटपैड यूज करने के लिए सबसे हमें पहले हमें कुछ इसके अंदर टाइप्स करना होगा। मैंने ये टाइप कर लिया है। इसको टाइप करने के बाद इसके अंदर हमारे यहाँ पे ये फाइल मेन्यू है, फाइल मेन्यू में जाना होगा। यहाँ पे जाने पे पहला ऑप्शन आ रहा है कंट्रोल एन, न्यू नई विंडो खोलने के लिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। जैसे कोई नई कंट्रोल एन दबाएंगे यहाँ पे, तो ये पहले वाला जो डेटा हमने टाइप किया हुआ है इसको सेव करना है, डिलीट करना है, क्या करना है ये। तो इसको जैसे अपन सेव कर देते हैं, डेस्कटॉप पे फाइल का नाम दे देते हैं यहाँ से कुछ, जैसे फाइल का नाम दे दिया मैंने रोहित। ये फाइल का नाम दे के मैं यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ। फाइल सेव होकर कंट्रोल एन से वो नई वाली विंडो जो ओपन हो गई है, न्यू विंडो है। जैसे ये अपने पास नोटपैड खुला हुआ है, इससे कैसे हम एक और नोटपैड की फाइल ओपन होके आ जाएगी। क्लिक करते हैं, ये नोटपैड की एक और फाइल ओपन होके आ गई है। इसको क्लोज कर देते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं ओपन। ये ओपन का ऑप्शन हमारे उस काम आता है, जैसे हमने कोई भी फाइल पहले सेव कर दी है, फिर उसको वापस ओपन करके उसका कुछ और चेंजिंग करना है। जैसे ये रोहित वाली फाइल अपन ने सेव की, तो उसको ओपन करते हैं। ओपन पे क्लिक करने के बाद में ये रोहित ओपन, तो पुराना वाला डाटा है जो एज इट इज हमारे सामने आ गया है। अगला ऑप्शन आपको दिखाते हैं सेव। जैसे कोई फाइल के अंदर अपन ने कुछ डाटा वेटा टाइप कर दिया है तो उसको सेव करना है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट सेव पे क्लिक कर सकते हो, और इस सेव एज पे क्लिक हो गया था, सेव पे क्लिक कर सकते हो। ये डाटा सेव हो गया है। जब डाटा पहली बार अपन को सेव करेंगे तो उसके अंदर उसका नाम, टेक्स्ट नाम और जहाँ पे उसको सेव करना है वो सब चीज़ें अपन से मांगेगा। दूसरी बार सेव करेंगे उसको ओपन करके, तो वहाँ पे अपन से कुछ नहीं मांगेगा उसको डायरेक्ट। जब किसी फाइल को पहली बार सेव करते हैं तो उसका नाम और किस जगह पे उसको सेव करना चाहते हैं ये चीज़ें मांगेगा, उसके बाद में हमसे कोई चीज़ वो नहीं मांगेगा। अगला ऑप्शन है सेव एज का। जैसे इसी फाइल को किसी अन्य नाम से किसी अन्य जगह पे अपन को सेव करना हो तो सेव एज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, फाइल यही है, इसका नाम चेंज कर देता हूँ मैं। नाम चेंज कर दिया और इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। डेस्कटॉप पे ये एक और फाइल ये आ गई, देखिए रोहित छाप द सिटी के नाम से आ गई। यहाँ तक आ गया पेज सेटअप है। अगला पेज सेटअप किसी प्रकार से पेज प्रिंट निकालने के लिए जो सेट करते हैं। नॉर्मली अपने ये A4 का पेपर है ना, वो यूज आता है प्रिंट निकालने के लिए, तो A4 यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और पोर्ट्रेट ये सीधा रहेगा। लैंडस्केप करेंगे तो ये इस तरह से आपको सोने लग जाएगा और इस तरीके से ही वो प्रिंट आएगा। ये मार्जिन है, इससे ये जो प्रिंट है इसके ये चारों तरफ जो ये दिख रही है खाली जगह, ये मार्जिन है जो यहाँ पे 20, 25, 25 जो भी ये दिया गया है
हेडर फुटर यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे तो वो हेड यहाँ पे ऊपर आ जाएगा और फुटर यहाँ पे नीचे आ जाएगा, इस काम में आता है ये। अगला ऑप्शन यहाँ पे है प्रिंट का, कोई भी यहाँ पे अपन को पेज से प्रिंट निकालना, तो यहाँ पे प्रिंट सिलेक्ट करके उसका पेज की कॉपी डाल देंगे, कौन कौन से पेज को निकालना है वो सिलेक्ट करके प्रिंट छोड़ देंगे, दबा देंगे यहाँ से तो प्रिंट हो जाएगी। अगला है यहाँ से एग्जिट, यहाँ से एग्जिट करके अपन से बाहर जा सकते हैं, बाहर हो गए, वापस ओपन कर लेते हैं इसको। अगला है एडिट मेन्यू, एडिट मेन्यू के अंदर अंडू, कट, कॉपी ये तीनों हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, तो इसका कारण यह है कि जैसे अंडू का यूज करना है अपन को, तो मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर देता हूँ, जैसे ये टाइप कर दिया, तो ये जो लास्ट टाइम पे जो अपन ने टाइप किया है या जो भी एक्टिविटी की है उसको वापस बैक जाने के लिए अंडू का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे वापस जाके अंडू दबाएंगे तो ये देखिए वो हनुमान यहाँ से टाइप किया वो हट गया है। अंडू के बाद में कट है, कट करने के लिए हमें सबसे पहले किसी चीज को कट करना है, उस चीज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे मैं ये विले से इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको यहाँ से कट करना है, सेलेक्ट करने के बाद कट हाईलाइट हो जाएगा, कट हाईलाइट हो गया, कट दबा दिया, कट दबाते वो यहाँ से डिलीट हो गया। अगला है कट के बाद में कॉपी, कॉपी करने के लिए भी हमें सबसे पहले जिस चीज़ को कॉपी करेंगे, जिस टेक्स्ट को कॉपी करेंगे उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में उसको कॉपी करेंगे, कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद अगला है पेस्ट का, जिस कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद इसको कहाँ पे रखना है, जैसे ये जगह करके हम यहाँ पे रखना चाहते हैं, उसको कॉपी कर लिया उसको, तो उसको यहाँ से लाके पेस्ट पे क्लिक कर देंगे, तो वो विलेज कॉपी हुआ था वो यहाँ पे पेस्ट हो गया है। अगला ऑप्शन है डिलीट, किसी भी चीज को डिलीट करने के लिए डिलीट का इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी चीज को पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट करने के बाद उस पर डिलीट कमांड चलाएंगे, डिलीट दबाते ये डिलीट हो गया। अंडू से वापस इसको ले आएंगे, डिलीट के बाद में अपना आता है फाइंड, फाइंड का ऑप्शन आ रहा है अपने, तो फाइंड जैसे किसी चीज को इसमें सर्च करना है, सर्च के लिए फाइंड आता है, फाइंड करना है, जैसे इसके अंदर से मैं आपको बता दूं मुझे कोट खावदा सर्च करना, कोट खावदा हाईलाइट हो गया, अगला कोट खावदा हाईलाइट हो गया, जो जो एंटर दबाते जाएंगे तो जो आगे है, अब इसके आगे कोई कोट खावदा नहीं है, तो ये यहाँ पे कैन नॉट फाइंड कोट खावदा, आगे कोई कोट खावदा नहीं है। फाइंड नेक्स्ट का अभी मैंने बताया था आपको, इससे आगे कोई नहीं है, एंटर दबाते दबाते वो उससे मैं दिखा देगा आपको। फाइंड प्रीवियस शिफ्ट 3, फाइंड प्रीवियस या कोड खावदा, ये जैसे जैसे अपन अभी एंटर करते करते गए थे आगे निकल गया था, और उसको फाइंड प्रीवियस करेंगे तो पीछे जो भी कोड खावदा रहेगा सब अपने कर्सर से वहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, वो तो दिखा देगा अपन को। अगला ऑप्शन है रिप्लेस कंट्रोल एच, जैसे अपने को यहाँ से ये है कला है, इसको रिप्लेस करना है सीटी से, CITY, तो रिप्लेस आल दबाएंगे, जहां पे भी झापदा कला था, झापदा के आगे कला था, वो कला हर जगह पे सीटी हो गया, आप कहीं पे देख लो, जैसे मैं आपको ये देखिए सीटी हो गया, अगला यहाँ पे दिखा देगा आपको, ये देखो ये भी सीटी हो गया, जहाँ पे भी कला था वो सब सिटी हो गया, ये है। और अगला ऑप्शन है गो टू, जैसे अपन अपने पास में ये अभी तो केवल एक लाइन का डेटा है, जैसे 10 लाइन है तो अपन को जैसे पांचवी लाइन पे जाना था, तो 5 नंबर दबा के ओके कर देते, इसलिए वो पांचवी लाइन पे डायरेक्ट चल जाता है उसका माउस, यहाँ 5 लाइन नहीं है इसलिए ये दिखाई दे रहा नहीं पाया है, एक दबा के एंटर करेंगे तो ये पहली लाइन पे ये माउस का कर्सर आ गया, सेलेक्ट आल है, इससे पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा।
कैलकुलेट करने बाद में ये टाइम डेट है। जैसे कहीं पे भी अपने को इसमें आज का अभी का प्रेजेंट का टाइम और डेट लगाना है तो यहाँ से अपन टाइम और डेट के ऑप्शन पे जाएंगे, ये आज की डेट और अभी का टाइम जो करंट प्रेजेंट में टाइम चल रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगला है फॉर्मेट। फॉर्मेट मेन्यू में आपको पहला ऑप्शन दिखाएगा वर्ल्ड ग्रैप। वर्ल्ड ग्रैप जैसे कि ये लाइन अपने बहुत लंबी है, इसको यहाँ से पकड़ के स्क्रॉल कर रहे हैं तब ये पूरा अपन इसको देख पा रहे हैं, और वर्ल्ड ग्रैप करने के बाद में ये लाइन नीचे टुकड़ों में आ जाएगी। ये लाइन यहाँ तक आ गई, यहाँ से बाद में दूसरी लाइन हो गई, ये वर्ल्ड ग्रैप काम करता है। अगला ऑप्शन है फॉन्ट का। जो अपन ने इसके अंदर टाइप किया हुआ है ये जो डेटा है, उस डेटा का फॉन्ट, उसके स्टाइल, उसकी साइज, ये सब कुछ चेंज करने के लिए हमें फॉन्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉन्ट में जैसे इसको सबसे पहले हटा देते हैं, ये जो डेटा टाइप किया उसको सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए के साथ में, और अब इसको फॉन्ट पे जाते हैं। फॉन्ट पे जाके यहाँ से इसको चेंज कर देते हैं फॉन्ट, ये बोल्ड कर दिया, ये कर दिया, साइज यहाँ से बढ़ा देते हैं और ओके कर दिया। ये फॉन्ट का कमाल है, ये फॉन्ट इसमें चेंज हुआ है और इसकी साइज चेंज हुई है, ये फॉन्ट और इसकी साइज सब कुछ इस काम में आती है। अगला है व्यू मेन्यू, ये जूम करके देख सकते हैं। अगला है व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू में यहाँ पे क्लिक करेंगे जूम इन जूम आउट, और ये नॉर्मल जहाँ पे था वहीं पे रह जाएगा। जूम इन करेंगे किस डेटा को, ये जूम इन हो गया, और जूम करेंगे और क्लिक कर लो यहाँ पे, हो गया। जूम आउट करना है, जूम आउट कर दो, क्लिक करो और करो जूम आउट, और जो अपना जो नॉर्मल रहता है वहाँ पे करना है इसको बीच में, तो यहाँ पे करने पे ये नॉर्मल हो गया। अगला ऑप्शन है स्टेटस बार। स्टेटस बार अपनी ये दो नीचे ये लाइन दिख रही है, ये स्टेटस बार कहलाती है। इसको हाइड और अनहाइड करने के लिए ये स्टेटस बार यहाँ पे जब तक क्लिक रहेगा तब तक ये दिखती रहेगी। आप इसको क्लिक कर देंगे तो नीचे से स्टेटस बार गई। तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा नोटपैड का ये वीडियो, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद।